नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि लोन देते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत करिए, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं कंटिन्यूसली आपके काम की वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन आते जाएगा, धन्यवाद। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि कौन से पांच चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला, आपको उस व्यक्ति को ठीक से पहचानते हो कि नहीं, इसको हमेशा देख लीजिए। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से पहचानते होगे, लेकिन पहचानने का मतलब ये कि उनका काम क्या है, किस जगह पे ऑफिस है, इसके बारे में ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे फ्रॉड्स हमने देखे हैं या परेशानी हमने देखी है, जहां पर लोग कुछ समय से किसी को जानने लगते हैं, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलने लगते हैं, कहीं पर पानठेले में मिलने लगे, कहीं जिम में मिलने लगे, कहीं और मिलने लगे, उनको बातचीत करके काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया और ज़बान से जो उन्होंने प्रोफाइल बताया उसी को उन्होंने मान लिया। उसके बेसिस पे उन्होंने अचानक से कुछ बोला कि अरे यार मैं यहाँ जा रहा हूँ फलाना, मुझे एक अमाउंट की ज़रूरत है, 50,000 लाख रुपये, कोई भी एक अमाउंट होगा आपके लिए जो बड़ा होता होगा, तो आपने दे दिया और उसके बाद में पता ही नहीं चल रहा या वो दे ही नहीं रहा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको पता रहे कि वो व्यक्ति कौन है और क्या करता है, और उसके लिए श्योर रहना चाहिए कि हाँ भाई हमको पता है कि उसका ऑफिस फलाने जगह पे, वो यही काम करता है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग किसी को भी लोन दे रहे हैं तो ध्यान रखिए ये बिजनेस लोन है कि पर्सनल लोन है। अगर ये बिजनेस से संबंधित कोई लोन है, इसका मतलब है कि आपके साथ वो व्यक्ति व्यापार करता है और आप उसको कोई पैसा एडवांस में दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तो उससे संबंधित लोन का डॉक्यूमेंट ज़रूर बनना चाहिए। लोन का डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए किसी को लोन देते समय क्या लगता है, तो नीचे कमेंट में अपना मेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप वाला ज़रूर डालिए, मैं आपको लोन के एग्रीमेंट की फॉर्मेट ज़रूर देने वाला हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोन का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके दिक्कत हो जाने वाली है, आगे कोर्ट में केस स्टैंड नहीं करने वाला। तीसरा चीज़ ये कि अगर हमने लोन दिया है तो आप चेक ज़रूर मांग लीजिए, पोस्ट डेटेड चेक हो या ब्लैंक चेक हो, ये ज़रूर मांग लीजिए, और जो भी आप चेक ले रहे हो उस चेक को उस एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि वो चेक का मेंशन होना वहाँ पर ज़रूरी है और हम लोगों को उसमें अमाउंट अभी भरना है कि नहीं भरना है वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। एग्रीमेंट में ये लिखा रह सकता है कि भाई ये 10 लाख या 10,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपये का जो अमाउंट है ये 2 महीने के बाद वापस कर देंगे हमको, अगर वापस नहीं करते हैं तो फिर साधारण बैंक ब्याज दर को जोड़कर जो भी अमाउंट बनता होगा वो अमाउंट हम इसमें डालेंगे। पहले चेक में एक और चेक ले लिए कि अगर हमको केस करना पड़ा तो हमारे लीगल खर्चे जो एस्टिमेटेड होंगे हम लोग उसको भी डाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, हम लोग को चेक ज़रूर लेना चाहिए। चौथा चीज़ ये कि लोन जब भी हम दें तो हमको चेक में देना चाहिए। आप कैश में लोन देने का मत सोचिएगा। आपने सोचा मैं तुरंत कैश में लोन दे दूं और सामने वाले का काम बन जाए, हर कोई अपना इमरजेंसी शो करता रहता है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर के सामने जब पेशेंट जाता है तो वो एकदम छटपटाते रहता है, एकदम जान निकल जाने वाले, अभी मरे हो, मरने वाले, ऐसा फील आता है। लेकिन अगर डॉक्टर भी हड़बड़ी करे तो आपको लगता है कि वो पेशेंट बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये कि डॉक्टर हमेशा काम रहता है, आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे कि प्रॉब्लम बढ़ाने, सबसे पहले बताइए पैसे देकर सॉल्व करने, यस। तो अगर हम लोग सॉल्व करने बैठे तो हमको उनको बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेशेंस से बैठो, राइट, पेशेंस से बैठो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूँ, पैसे देना चाहता हूँ, आपका हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको आपके बारे में भी जानूंगा, और दूसरा चीज़ आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तीसरा चीज़ चेक्स भी आपको देने पड़ेंगे, चौथा चीज़ अगर कोई एड्रेस आईडी की ज़रूरत है वो एड्रेस आईडी भी आप सामने वाले से तत्काल ले लीजिएगा। इसके अलावा, ये सारी चीज़ों के अलावा आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोन दे रहे हैं, जिसको अपन ने चेक में दे दिया हो, चाहे मजबूरी में कैश में भी दे दिया हो, तो पांचवा जो पॉइंट हमारा है वो उसको कवर करता है। वो क्या है कि हम लोग तुरंत एक डिक्लेरेशन शीट बना सकते हैं। डिक्लेरेशन शीट 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में हो, चाहे प्लेन पेपर में भी हो सकता है, जिसमें कि मैंने अभी अपने इमरजेंसी के लिए इनसे पैसे मांगे और इन्होंने तत्काल में मुझे 10,000 रुपये
निकाल कर दे दिए हैं, जो कि 100-100 रुपए वाले 100 नोट थे, और उन्होंने मैंने कैश में रिसीव किया, और वहां पर रेवेन्यू टिकट भी आप लगा सकते हो, और ये पैसे मैं इतने दिनों में लौटा दूंगा, ये जो मैंने बनाए ये रसीद है, और मैं पूरे होशो हवास में आज दिनांक फलाना में मैं इनसे पैसे ले रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा रसीद का फॉर्मेट आपको चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए, हम आपको देने वाले हैं। तो ये 5 पॉइंट अगर हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर यहाँ से छूटता है तो हमारे को बहुत दिक्कत हो सकती है, लोन के वसूलने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लोन देते समय अगर आपने थोड़ी सी बुद्धिमानी रखी और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ों को ध्यान रखा, तो आपका लोन को कोई भी लेकर जाने में या नहीं देने के सोचने के बारे में थोड़ा सा तकलीफ होगा, आपके पैसे ज़रूर वसूल होने वाले हैं। मैं दीपंकर समददार, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके काम की समय पर देते रहना।